राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों ने मिलकर पहली बार पार्टी का कोई मसला पार्टी में ही सुलझा लिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार दोनों ने इतनी समझदारी से काम लिया है कि अमित शाह जैसे चतुर नेता की प्लानिंग को भी मात दे दी है। मामला राजस्थान से जुड़ा है, जहां सियासी ड्रामा पिछले काफी दिनों से चल रहा है। इस ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल सर्कस के लिए केंद्र में सचिन पायलट है, जिन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। हालात फिर वही बने। सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जी जान लगा दी। सचिन पायलट पर सख्ती दिखाते हुए पार्टी ने उन्हें तमाम बड़े पदों से हटा दिया। अब वो महज कांग्रेस के एक विधायक भर रह गए हैं। पर सचिन ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी जिद पर डटे रहे। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है। सोमवार को दोनों के साथ सचिन पायलट की लंबी बातचीत चली, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि सचिन पायलट सशर्त पार्टी में टिक सकते हैं। खबर है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के लिए मंत्रिमंडल में जगह, इसके अलावा किसी बोर्ड, न्यास या निगम की कमान सौंपने की मांग की है, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें भी पुराने पद लौटाने की पेशकश कर दी है। हालांकि अभी इनमें से किसी बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार बचाने के लिए प्रियंका राहुल ने समय रहते सही पैंतरा खेला है, जिसकी वजह से राजस्थान मध्य प्रदेश का इतिहास दोहराने से बच गया। अगर यही सूझबूझ मध्य प्रदेश में दिखाई होती तो शायद यहाँ भी कांग्रेस की ही सरकार होती। न कांग्रेस के विधायक टूटते और न ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदलते। शायद मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से ही ठोकर खाकर दोनों भाई बहनों को ये अकल आई है।